वेलकम टू द वन एकेडमी। अब बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। जो अटल पेंशन योजना है एक गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम है। किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए। अब एनी सिटीज़न, कोई भी सिटीज़न ज्वाइन कर सकता है अटल पेंशन योजना, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। वो क्या है? एज होनी चाहिए मेरा 18 to 40 ईयर्स, और उसके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अगर उसकी डेथ हो जाएगी सब्सक्राइबर की, तो जो पेंशन का अमाउंट है वो स्पाउस को मिलेगा। और अगर बोथ ऑफ देम, सब्सक्राइबर एंड स्पाउस दोनों की डेथ हो जाएगी, तो जो नॉमिनी होगा उसको पेंशन का कॉर्पस मिलेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन से चीज सही है? इट इज़ अ मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए। ओनली वेन मेम्बर ऑफ अ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। सिर्फ तीन ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसकी एज 18 से 40 होनी चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ। बिल्कुल ठीक है, यहाँ हमने देखा तो 1 and 3 मेरा करेक्ट है। सो सी इज द आंसर। यह है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। जो RCEP है ये मेरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। किसके बीच में? 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ एशियान के बीच में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्वेश्चन क्या है? द टर्म RCEP ऑफन अपीयर्स इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज। G20 तो नहीं है, यस एशियान हमने अभी देखा, SCO नहीं है, SARC नहीं है। सो मेरा बी इज द आंसर। इसके बाद ये पूछ रहा है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल। अब देखिए, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल है, इसके अंदर कुछ मैंडेटरी अप्लायंस है जिसको होना ही है। फॉर एग्जांपल, फ्रॉस्ट फ्री नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, टेबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प्स हो गया, रूम एयर कंडीशनर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, और कुछ वॉलंट्री है जैसे कि रूम एयर कंडीशनर्स हो गया, कैसेट फ्लोर स्टैंडिंग टावर, सीलिंग कॉर्नर एसी, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर हो गए, इंडक्शन मोटर्स हो गए, एग्रीकल्चर पंप सेट हो गए, सीलिंग्स हो गए, डोमेस्टिक लिक्विड पेट्रोलियम गैस स्टोव हो गए, इलेक्ट्रिक गीजर्स, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर ब्लास्ट, ऑफिस इक्विपमेंट्स जैसे प्रिंटर कॉपियर स्कैनर हो गया, डीजल इंजन ड्रिवन मोनोसेट पंप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, सॉलिड स्टेट इन्वर्टर, डीजल जनरेटर, वेरिएबल कैपेसिटी एयर कंडीशनर, LED लैंप्स, ये सारे मेरे वॉलंटरी स्कीम्स हैं। तो पूछा कि किन किन के अंदर हो सकता है? सीलिंग फैंस के अंदर हो सकता है, यस हो सकता है। इलेक्ट्रिक गीजर्स के अंदर हो सकता है, हाँ हो सकता है, वॉलंटरली हो सकता है। और टेबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प्स के अंदर मैंडेटरी है, तो तीनों के अंदर मुझे मिल सकता है। सो 1, 2, 3 मीन्स डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर के बारे में, ITER। ये मेरा क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस एक्सपेरिमेंटल टोकोमैक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ये फ्यूजन देखने वाला है, ये फ्यूजन रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर नहीं है। ये कहाँ बन रहा है? फ्रांस में एक जगह है कैडरेश, वहाँ बन रहा है। ठीक है, तब ये पूछ रहा है इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ ITER रिएक्टर, इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज क्या होगा? इट कैन यूज थ्योरियम, थ्योरियम की तो बात ही नहीं हो रही इसमें, गलत है। इट कैन अटेंड ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन, गलत है। इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फ्यूजन रिएक्टर्स, फ्यूजन रिएक्टर नहीं है, फ्यूजन के लिए। इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन, बिल्कुल ठीक है, तो मेरा डी इज द आंसर। फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग ईरीपति। अब ये रोमिला थापर की एक बुक है कोई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके अंदर वो बताती है स्पेशल कैटेगरी ऑफ लैंड ईरीपति और टैंक लैंड हुआ करती थी। ठीक है, तो ईरीपति के बारे में क्या बोल रही है कि लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। तो ये मेरा ठीक हो गया, ये दिया हुआ है इसके अंदर, गूगल बुक रिजल्ट से ये लिया है मैंने। दूसरा है मेरा तनी यूर्स, ये है विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। अब ये क्या बोलता है? तनी यूर्स क्या होते थे? लार्ज विलेज हुआ करते थे जिसको तनयूर बोलते थे, और इसको ब्रह्मदेव भी बोल रहा है, तो मतलब ब्राह्मण को दिया हुआ, तो मेरा 2 भी ठीक बैठ रहा है। फिर घटिकास क्या होता है? मेरा टाइम का मेजर होता है, इट इज़ इक्वल टू 24 मिनट्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है? घटिका मेरा कॉलेज है, जनरली अटैच टू द टेम्पल, तो ये चीज़ मेरी गलत है, तो 1 and 2 मेरा करेक्ट। सो ए इज माई आंसर। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।